उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक गांव के लोगों ने छोड़ दिया अपना घर बार। एक दिन के लिए सारा गांव हो गया खाली। एक दिन के लिए गांव की गलियों में पसर गया सन्नाटा। आइए देखते हैं क्यों एक दिन के लिए गांव वाले हुए घर से बेघर। एक भरा पूरा गांव हुआ खाली। गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा। क्यों वीरान हुआ एक गांव? क्यों घर छोड़कर भागे गांव वाले? महाराजगंज के बेलवा चौधरी गांव की ये गलियां सूनी हैं। घर आंगन वीरान पड़े हैं, दरवाजों पर ताले जड़े हैं। कोई अनजान इस गांव में आ जाए तो हैरान रह जाएगा, और अगर कोई चोर उचक्का आ जाए तो ईश्वर को धन्यवाद करेगा। चलिए हम आपको इन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं इस वीरानी की वजह। ऐसा कोई साधु महात्मा आया यहाँ, उन्होंने उस हैया और ताउन को रोकने के लिए ये उपाय दिया कि हर तीसरे साल 12 घंटा ये अपना घर छोड़कर किसी मतलब सीमान में सरेह में बगीचे में बाहर निकल जाइए आप लोग, ताकि ये तुम्हारे गांव में कभी हैया और ताउन नहीं आएगी। ये सिक्के का एक पहलू था। सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं गांव के बगीचे में। यहाँ लोगों का मजमा लगा है, खाना पीना हो रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब यहाँ पर हैं। कहीं भजन कीर्तन हो रहा है तो कहीं मंडली लगी है। अनजान भय से ये लोग अपने पालतू जानवरों तक को गांव में नहीं छोड़ते। तो एक स्टोरी आई थी सुनने में कि जो घर में थे वो मर गए। आने पर आने में कहें कि मुझे कुछ नहीं होगा तो मर गए। जाने वापस जाने देखने पर पता चला कि मर गए। तो इस तरह से और भी क्या विश्वास हो गया कि हाँ ये बात सच है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देना चाहते हैं। यही जो है टोटली अंधविश्वास जो है अंधविश्वास है। आज तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत आगे निकल चुकी है, तो इस परिप्रेक्ष्य में तो मेरा मानना है इस परंपरा को तोड़ना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोई वो आगे तोड़ेगा गाँव, लेकिन लोग पुरानी परिपाटी को निभाते चले आ रहे हैं, उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। लेकिन गाँव के ही कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो इस परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तर्क ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिक कारण इसमें है कि हाँ साहब घर छोड़ देंगे, पहले हैजा प्लेग और तपावन ये सारी पुरानी बीमारियां हुआ करती थी, तो उसमें हम घर छोड़ देंगे तो कीटाणु सब मर जाएंगे और हमको कोई बीमारी उस तरह की नहीं होगी। वैज्ञानिक कारण मुझको पढ़ा लिखा होने के नाते यह लगता है। विज्ञान के इस युग में इसे सामान्य तौर पर अंधविश्वास ही कहा जा सकता है, लेकिन गाँव वाले इसे आस्था मानते हैं। वो इसके पीछे जो तर्क देते हैं उसे सीधे तौर पर खारिज भी नहीं किया जा सकता। अंधविश्वास के इस दलदल से गांव वालों को निकालने के लिए ठोस वैज्ञानिक आधारों के साथ प्रयास करना होगा। अशोक वर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, महाराजगंज।